सॉलिड वर्क्स के टोटल दो मॉड्यूल्स है, मेन टू मॉड्यूल्स है। सबसे पहले है एडवांस मॉड्यूल और सेकंड है इंडस्ट्रियल मॉड्यूल। एडवांस मॉड्यूल में हम क्या क्या कवर करेंगे, तो स्केचर, पार्ट मॉडलिंग, एडवांस पार्ट मॉडलिंग, असेंबली डिजाइन, सरफेस डिजाइन एंड ड्रॉइंग व्यूज। और इंडस्ट्रियल मॉड्यूल में हम कवर करेंगे सीट मेटल, एनिमेशन, वेलमेंट, सिमुलेशन, फोटो रेंडरिंग एंड डिजाइन एक्सीलेटर। ओके, और एडवांस मॉड्यूल को हम फाउंडेशन मॉड्यूल भी कहते हैं। तो बेसिक मॉडल अगर आप जब भी क्रिएट करना चाहो तो उसमें आप एडवांस मॉड्यूल का ही यूज करो। दूसरी चीज, ये सॉलिड वर्क्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो या कोई मॉडल आप बनाते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो कौन से मॉड्यूल में बनेगा। तो जैसे नॉर्मल कोई पार्ट है, जनरल पार्ट है, तो वो पार्ट मॉडल में क्रिएट होगा। जैसे कोई सरफेस पार्ट है तो वो सरफेस मॉडल में क्रिएट होगा। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, कार डिजाइन, माउस डिजाइन, तो ये सारी चीजें सरफेस में क्रिएट होती है। फिर जैसे फैब्रिकेशन में से प्लेट में से किसी चीज को हम बैंड करके बनाते हैं, फोल्ड करके बनाते हैं, ओके, तो वो चीज बनती है सीट मेटल में। तो इसका मैं एग्जाम्पल आपको दूं तो स्टेपलर है, बहुत सारी ऐसी चीजें। फिर पूरा जो थ्रेसर डिजाइन जो होता है वो सीट मेटल और वेलमेट्स में होता है। फेम्स फेम्स डिजाइन जो होती है, जैसे आप अभी जिस कुर्सी पे, चेयर पे बैठे हो, तो वो फेम स्ट्रक्चर है, तो वो वेलमेट्स एंड फेम स्ट्रक्चर में तैयार होता है। ओके, तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं। तो मॉडल को देख के आपको उस मॉड्यूल के हिसाब से काम करना है। उसके बाद असेंबली में आपकी असेंबली होगी। असेंबली में थ्री टाइप की असेंबली होती है, स्टैंडर्ड असेंबली, एडवांस असेंबली एंड मैकेनिकल असेंबली। ओके, जब हम फाउंडेशन टॉपिक सीखते हैं तो स्टैंडर्ड असेंबली ही उसमें कवर होती है। जब हम पूरा सॉलिड वर्क सीखते हैं तो उसमें मैकेनिकल और एडवांस असेंबली कंप्लीट होती है। ओके, देन ड्रॉइंग व्यू में हम एक फाइनल सीट रेडी करते हैं और उसकी बदौलत हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद सीट मेटल में मैंने आपको अभी बताया, एनिमेशन में आपका मैकेनिज्म्स होता है, उसके बाद वेलमेट्स क्लियर हो गया, सिमुलेशन में एनालिसिस होता है। एनालिसिस आपको पता है, देयर इज थ्री टाइप एनालिसिस, एफईएम, सीएफडी एंड थर्मल। सॉलिड वर्क्स में हम मैक्स टू मैक्स एफईएम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद रेंडरिंग, जेपीजी फाइल में कन्वर्जेशन होता है। उसके बाद डिजाइन एक्सीलेटर। तो डिजाइन एक्सीलेटर सॉलिड वर्क्स का सबसे बेस्ट मॉड्यूल है। उस मॉड्यूल में आपको रेडीमेड कंपोनेंट्स मिलेंगे। जैसे आपको पावर ट्रांसमिशन में आपको चाहिए गियर चाहिए, उसके बाद आपको फास्टनर्स चाहिए, फास्टनर्स में आपको नट बोल्ट्स चाहिए, वॉशर्स चाहिए, रिंग्स चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको बनानी नहीं होती। किसी भी असेंबली में आप काम करते हो, जैसे मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दूं कि आप एक थ्रेशर की डिजाइन कर रहे हो, तो थ्रेशर की डिजाइन में जब इसका प्रोडक्शन आप करते हो तो उसमें जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगते हैं, जैसे फास्टनर्स लगते हैं, जैसे रेडीमेड कंपोनेंट जो लगते हैं, तो वो चीज वो इंडस्ट्री बनाती नहीं है, उसको परचेज करती है उसकी लाइब्रेरी में से, उसके स्टोर में से, और उसको लगा देती है। तो वैसे ही आपको सॉफ्टवेयर भी यही सजेस्ट करता है कि आपको ये छोटी छोटी चीजें डिजाइन करने की रिक्वायर नहीं है। वो आपको क्या करना है, वो लाइब्रेरी में से लाके उसको वहां पे पुटअप करना है। अब लाइब्रेरी भी इतनी स्टैंडर्ड आपको यहाँ पे दी हुई है कि जैसे कि आपको M8 की नट चाहिए, M8x0.8 की टैपिंग वाली नट चाहिए, तो वो आपको रेडीमेड मिल जाती है विद प्रॉपर थ्रेड। ओके, तो ये है डिजाइन एक्सीलेटर। तो ये सॉलिड वर्क्स के मॉड्यूल्स हैं, और ये 12 मॉड्यूल्स आपके कंप्लीट हो गए तब आपका सॉलिड वर्क्स कंप्लीट होगा। तो हमारे आज के वर्कशॉप में हम स्टार्ट करेंगे स्केचर। तो लेट्स स्टार्ट। स्केचर में जाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहां से आपको न्यू में जाना है। न्यू में जाके आपको ट्यूटोरियल में जाना है, और ट्यूटोरियल में जाके आपको पार्ट में जाके ओके करना है। तो जैसे ही आप पार्ट में जाके ओके करोगे, सॉलिड वर्क्स की नॉर्मल स्क्रीन में आप ओपन आ जाओगे। Ctrl 7 करोगे तो आपका आइसोमेट्रिक मोड आ जाएगा, और Ctrl 8 करोगे तो आपका ऑर्थोग्राफिक मोड आ जाएगा। अभी हम कर रहे हैं Ctrl 7। यहां पे आपको अलग अलग फीचर्स में जाना है। जैसे आपको पार्ट मॉडलिंग में जाना है, तो पार्ट मॉडलिंग का नाम यहाँ पे दिया हुआ है फीचर मॉडलिंग। उसके बाद आपको स्केचर में जाना है, तो आप स्केचर्स में जाके काम कर सकते हो। सरफेस, सीट मेटल, वेलमेट्स, ये सारे पार्ट क्रिएट करने के मॉड्यूल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं।
इन केस कदाचित आपके लैपटॉप में ये मॉड्यूल्स आपको नहीं दिख रहे, तो इनको कैसे हाईलाइट करना है? यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके ये सारे मॉड्यूल्स आपको दिखेंगे। जैसे मैं यहाँ से वेलमेट्स को निकाल रहा हूँ, तो वेलमेट्स आपकी लिस्ट में से निकल जाएगा। यहाँ से मैं आपको वेलमेट्स को ऐड कर रहा हूँ, तो वेलमेट्स आपकी लिस्ट में आ जाएगा। ओके, तो ये सारे मॉड्यूल्स में, ये रिबन में आपको क्या क्या रखना है क्या नहीं रखना, ये यहाँ से आप कस्टमाइज मेनू में से टिक और अनटिक करके कर सकते हो। ये आपकी रिबन बार है, ये आपकी मॉडल ट्री है, और ये आपकी सॉलिड वर्क्स की डिस्प्ले है। ये आपका आइसोमेट्रिक मोड है। यहाँ से आप लाइब्रेरी ओपन कर सकते हो, अपीरियंस सेट कर सकते हो, कस्टम प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हो। यहाँ से आप अक्सिस, प्लेन्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हो। यहाँ से आपको कौन से मोड में काम करना है, शेडेड विद एजिस मोड में काम करना है, या शेडेड मोड में काम करना है, या वारफ्रेम मोड में, उसको आप एक्टिव कर सकते हो। कौन से प्लेन में काम करना है, यहाँ से आप एक्टिव कर सकते हो। सेक्शन व्यू अब यहाँ से एक्टिव कर सकते हो, और यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, अपीरियंस दे सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है मॉडल ट्री। तो मॉडल ट्री में कि आपको क्या दिया जाता है, जो भी आप प्रोसेस करते हो, जैसे आपको स्टार्टिंग में कोई स्केच ले रहे हो, कोई प्लेन ले रहे हो, उसमें आपको एक्सट्रूड कर रहे हो, कट कर रहे हो, रिवॉल्व कर रहे हो, तो जो भी सारी जो प्रोसेस होती है वो आपकी मॉडल ट्री में सेव होगी। और आप पूरा मॉडल बनाने के बाद मॉडल ट्री का यूज करके किसी भी थर्ड पार्टी को प्रेजेंटेशन दे सकते हो कि मैंने सबसे पहले ये स्केच किया, उसके बाद एक्सट्रूड किया, उसके बाद रिवॉल्व किया, उसके बाद मैंने स्वीप किया। तो मॉडल ट्री की फैसिलिटी आपको ऑटोकैड में नहीं मिलती, मॉडल ट्री की फैसिलिटी आपको पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में मिलेगी। ओके, तो ये इसका स्क्रीन इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं स्केचर। तो स्केचर में सबसे पहले यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा प्लेन, कौन से प्लेन में आपको स्केच करना है। तो जैसे ही आप स्केचर में जाओगे, तो यहाँ पे आपको दो तरह के स्केच मिलेंगे, 2D स्केच एंड 3D स्केच। तो यहाँ पे आपको 2D स्केच में जाना है, और 2D स्केच में जाके आपको किसी प्लेन को एक्टिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 3 प्लेन्स मिल रहे हैं, वैसे तो 6 प्लेन है, पर यहाँ पे आपको पेयर बनाई हुई मिलेगी। जैसे कि टॉप बॉटम की पैर मिलेगी, जैसे कि फ्रंट बैक की पैर मिलेगी, जैसे कि राइट एंड लेफ्ट की पैर मिलेगी। तो किसी भी प्लेन को यहाँ पे आपको एक्टिव करना है, टॉप प्लेन को। जैसे ही आप टॉप प्लेन को एक्टिव करोगे, टॉप प्लेन आपके आगे आ जाएगा, बाकी ये प्लेन हिडन हो जाएगा। आप प्लेन में आ चुके हो, जैसे कि स्केचर में आ चुके हो, अब मुझे उस स्केच की सीट से बाहर निकलना है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे राइट अपर कॉर्नर में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, फिनिश स्केच एंड कैंसल स्केच। तो यहां से मैं क्या करता हूं, फिनिश स्केच, तो वो स्केच सीट से आप बाहर निकल गए। कंट्रोल 7 करोगे तो ये आपका आइसोमेट्रिक मोड हो जाएगा। अब फिर से स्केच स्क्रीन में जाना है, तो कैसे जाएंगे, स्केच में जाएंगे, टॉप में जाएंगे, तो ये आपकी स्केच स्क्रीन आ गई। अब यहाँ पे आपको 2D स्केच करना है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑटोकैड 2D को जानते हैं, तो ऑटोकैड 2D में कौन कौन से कमांड आपने पढ़े, उसमें आपने क्रिएटिव कमांड्स पढ़े, मॉडिफाई कमांड्स पढ़े। क्रिएटिव कमांड्स में क्या आता है, किसी को पता है? क्रिएटिव कमांड्स में आएगी लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन्स, इलीप, फिलेट, चैम्फर्स, बेसिक्स कमांड आ जाएंगे, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, स्केच को क्रिएट कर सकते हो। मॉडिफाई कमांड्स में क्या आएगा, मॉडिफाई कमांड्स में आप उसको डायमेंशन दे सकते हो, आप उसको पैटर्न कर सकते हो, आप उसको ऑफसेट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको क्या मिलेगी, मॉडिफाई कमांड्स में मिलेगी। ओके, तो ये पूरा स्केचर आपको यहाँ पे दिया हुआ है। वैसे तो आपने ऑटोकैड 2D अगर आपको आता है, तो स्केचर आपके लिए बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हमको क्या सीखना है, हाउ टू ऑपरेट लाइन कमांड इन ऑटोकैड एंड हाउ टू ऑपरेट लाइन कमांड इन सॉलिड वर्क्स। यहाँ पे दो ब्रांड्स है, ऑटोकैड ऑटोडेस्क कंपनी का सॉफ्टवेयर है, और सॉलिड वर्क्स डेजल सिस्टम कंपनी का सॉफ्टवेयर है। दोनों की ऑपरेट करने की सिस्टम्स अलग अलग है,
तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि किसी भी कमांड को सॉफ्टवेयर में कैसे ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लाइन कमांड को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप लाइन कमांड को सिलेक्ट करोगे, मॉडल ट्री में प्रॉपर्टी मैनेजर में लाइन कमांड की टोटली डिटेल्स आपको दिखा देंगे। मैं साथ में ऑटो कैड की भी कंपैरिजन करते रहूंगा। ऑटो कैड में, ऑटो कैड इज अ डॉस सिस्टम, तो ऑटो कैड में जो कमांड है वो आपको कमांड लाइन में दिखेगा। तो वो कमांड आपको ऑटो कैड में लाइन कमांड जो है वो आपको कमांड लाइन से ऑपरेट करना है। सॉलिड वर्क्स में क्या डिफरेंट है, वो कमांड आपको प्रॉपर्टी मैनेजर मॉडल ट्री में प्रॉपर्टी मैनेजर से ऑपरेट करना है। ऑटो कैड में जो सॉफ्टवेयर्स में सारे कमांड्स कीबोर्ड से ऑपरेट होते हैं, सॉलिड वर्क्स पैरामेटिक सॉफ्टवेयर में ये जो सारे कमांड्स है वो माउस से ऑपरेट होते हैं। ओके तो यहां से आपको बता रहे ओरिएंटेशन एंड ऑप्शन। ओरिएंटेशन में आपको लाइन कैसी बनानी है, एज स्केच या ओरिजेंटल या वर्टिकल या एंगल। तो मुझे एज स्केच बनानी है, तो स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, ये मैंने आपका फर्स्ट पॉइंट दे दिया। अब आपकी लाइन किस पोजिशन में बनानी है, आपको लाइन हॉरिजॉन्टल बनानी है तो ये हॉरिजॉन्टल का सिंबल आ गया, आपको लाइन वर्टिकल पे बनानी है तो ये वर्टिकल का सिंबल आ गया। अब आप देख सकते हो कि पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है तो डायमेंशन आपको साथ में देगा, तो आप पहले भी डायमेंशन दे सकते हो, आप बाद में भी डायमेंशन दे सकते हो। तो यहां पे आपने 100 कर दिया, एंटर। ओके अब ये कमांड आप कैसे लीव करोगे, तो कमांड आप दो तरीके से लीव कर सकते हो, राइट क्लिक करके, अपने माउस की राइट क्लिक करके। अगर इस कमांड को परमानेंटली लीव करना है तो सिलेक्ट कर दीजिए, टेम्पररी लीव करना है तो आप एंड चेंज कर दीजिए। आप एंड चेंज करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कमांड वो जो आपने 100 mm की लाइन बनाई है वहां से निकल जाएगा, लेकिन लाइन कमांड प्रॉपर्टी मैनेजर में रहेगा। फिर से कमांड स्टार्ट हो जाएगा, फाइनल क्लिक करो, राइट क्लिक, एंड चेन। क्या करना है आपको, ये कमांड में से मैं लाइन बना रहा हूं, राइट क्लिक, एंड चेन, तो ये कमांड कंटिन्यू स्टार्ट रहेगा। राइट क्लिक सिलेक्ट करोगे तो कमांड आपका परमानेंटली छूट जाएगा। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, ये कैसे कमांड को स्टार्ट करना है और कैसे कमांड को एंड करना है। अब मुझे वो कमांड कंटिन्यू यूज करना है तो बार बार आपको रिबन बार में जाके लाइन को सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट राइट क्लिक एंड चेन, तो कमांड आपका स्टार्ट रहेगा, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट राइट क्लिक सिलेक्ट, तो कमांड आपका परमानेंटली छूट जाएगा। अब डायमेंशन में ये है कि ये पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है तो ये स्टार्टिंग में भी डायमेंशन देता है, वहां पे भी मॉडिफाई कर सकते हो, उसके बाद आप आफ्टर भी डायमेंशन दे सकते हो। मैंने आफ्टर डायमेंशन कहां से दिए, यूज अ स्मार्ट डायमेंशन। स्मार्ट डायमेंशन में जाके मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन को सिलेक्ट करता हूं, अगेन यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, तो आपको यहां पे बता रहा है कि 100 mm की लाइन ऑलरेडी है, आपको उसको मॉडिफाई करना है, आपको 200 mm की लाइन करना है। ओके ओके तो ये लाइन आपकी होगी 200 mm। सबसे बड़ा डिफरेंट है ऑटोकैड एंड पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर सॉलिड वर्क्स में कि ऑटोकैड में एक चीज, एक लाइन या एक ऑब्जेक्ट या कोई 3D मॉडल एक बार बन गया तो उसे आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सॉलिड वर्क्स में कभी भी आप लाइन प्रोजेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। ओके तो ये आपका लाइन कमांड है। लाइन कमांड में दो तीन चीजें अभी बाकी है, जैसे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन बनानी है, एंगल लाइन बनानी है। एंगल में क्या होता है, ये आप पॉइंट दे दिया। ओके अब आप देख रहे हो एंगल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, आप टैब दबा दो तो आपको एंगल स्टार्ट हो जाएगा 45, टैब दबा दो आपका डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगा 200 mm, आप एंटर कर दो, फाइनल राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर दो, तो 45 के एंगल पे आपने 200 mm की लाइन बना दी। क्लियर, तो ये आपका लाइन कमांड है। दूसरे ऑप्शन इसमें है कंस्ट्रक्शन मोड, तो यहां पे ये रेफरेंस लाइन बनेगी आपकी। ओके उसके बाद आपको यहां पे मिलेगी कंस्ट्रक्शन मोड एंड इन्फिनिटिव लाइन, तो इसमें क्या होगी, कंस्ट्रक्शन मोड में इन्फिनिटिव लाइन बनेगी जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है।
अब कोई स्टूडेंट्स मुझे समझा सकता है कि मेन लाइन एंड कंस्ट्रक्शन लाइन में डिफरेंट क्या है, ये दोनों लाइंस कहाँ पे यूज होती है? जो मेन लाइन है वो मॉडल बनाने के लिए यूज होती है, और जो कंस्ट्रक्शन लाइन है वो रेफरेंस लेने के लिए यूज होती है। कंस्ट्रक्शन लाइन में से कभी भी मॉडल नहीं बनेगा, उसमें से कभी एक्सट्रूड नहीं होगा, कभी रिवॉल्व नहीं होगा, कभी स्वीप नहीं होगा, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज होती है। और जो मेन लाइन है ना वही एक्सट्रूड रिवॉल्व और स्वीप के लिए यूज होती है। क्लियर? अब कॉर्नर रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल, थ्री पॉइंट, तो यहां पे सबसे ज्यादा यूज होगा सेंटर रेक्टेंगल। मैं सेंटर से रेक्टेंगल ले रहा हूं, सेंटर रेक्टेंगल में आप डायमेंशन दे रहे हो 200 टैब 200, ओके, और राइट क्लिक करके यहां पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया, सेंटर, इस ओरिजिन से सेंटर में मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और 200 बाय 200 उसका डायमेंशन दिया। तो यहां पे मुझे स्टेटस दिखा रहा है फुल्ली डिफाइन। फुल्ली डिफाइन का मतलब होता है कि यहां पे जो स्केच है उसको रिक्वायर डायमेंशन एंड रिक्वायर कंस्ट्रेंट्स प्रॉपर मिल चुके। क्लियर? अगर आप यहां से एक डायमेंशन डिलीट कर रहे हो तो ये जो स्केच है ये चले जाएगा अंडर डिफाइन। अंडर डिफाइन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट को रिक्वायर डायमेंशन नहीं मिला। तो सॉलिड वर्क्स में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको फुल्ली डिफाइंड स्केच पे ही काम करना है। फुल्ली डिफाइंड स्केच में आप काम करोगे तो इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप लिंकिंग प्रोसेस करोगे, एक बड़ी असेंबली में काम करोगे, तो आप मेन किसी भी छोटे कंपोनेंट को चेंज करोगे तो बाकी की कंपोनेंट्स एंड असेंबली ऑटो अपडेट्स हो जाएगी। लेकिन आप अंडर डिफाइन करके काम करोगे तो उसमें एरर्स रहती है, वो लिंकिंग प्रोसेस में आपको एरर छोड़ेगी। ओके, तो फुल्ली डिफाइन एंड अंडर डिफाइन ये चीज है। तो आपको अंडर डिफाइन स्केच में काम नहीं करना, फुल्ली डिफाइन स्केच में काम करना है। चलिए, ओके। और दूसरी चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको सारे स्केच सेंटर ओरिजिन से स्टार्ट करने हैं। ऐसे किसी भी जगह पे आपको स्केच नहीं बना देना, सेंटर ओरिजिन को ध्यान में रख के ही आपको स्केच करना है। उसके बाद रेडीमेड स्लॉट है, तो आप यहाँ से रेडीमेड स्लॉट का यूज कर सकते हो। ओके, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आप डायमेंशन दे रहे हो 100 सेंटर टू सेंटर, और यहाँ का डायमेंशन है 50, तो ये आपका एक स्लॉट बन गया, फुली डिफाइंड हो गया है। ओके, उसके बाद सेंटर सर्कल, ये आपका सर्कल हो गया। आप रेडियस से सर्कल बनाना चाहते हो या डायमीटर से बनाना चाहते हो तो वो यहाँ से डिसाइड होगा। आप डायमीटर को टिक कर रहे हो तो डायमीटर कितना है, 200, 200 डायमीटर का सर्कल यहाँ से सेलेक्ट हो गया। ओके, आपको आर्क बनानी है तो आप यहां से आर्क बना सकते हो। आपको पॉलीगॉन बनाना है तो आप यहां से पॉलीगॉन बना सकते हो। तो ये पूरा 2D स्केच है, जो ये बहुत सारी चीजें आपको पता है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। यहाँ पे आपको स्प्लाइन बनानी है तो आप ये कर्वेचर लाइन बना सकते हो। आपको इलिप्स बनाना है, फिलेट बनानी है, आपको कहीं पे टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके, आपको कोई चीज बनाई है उसको आपको इरेज करना है, ट्रिम करना है, तो आप इजीली ट्रिम कर सकते हो। तो यहां से आप ट्रिम में जाओगे, इसमें पावर ट्रिम लेके ये जो लाइन आ रही है ये जिसे भी टच होगी ना ये सारी चीजें ट्रिम हो जाएगी। आपको किसी भी चीज को एक्सटेंड करना है तो यहाँ पे आपको एक्सटेंड ऑप्शन मिलेगा, मैं आपको यूज करके बताता हूँ एक्सटेंड, तो ये आपकी चीज इजीली एक्सटेंड हो जाएगी। ओके, देन आपको ऑफसेट करना है तो यहाँ पे आप ऑफसेट भी कर सकते हो। ऑफसेट, ऑफसेट में आप वैल्यू दे सकते हो 50, कितने डिस्टेंस पे ऑफसेट करना है। आप इसमें रिवर्स कर सकते हो, बोथ साइड कर सकते हो, इसमें आप कैप्स दे सकते हो, उसके एंड में आपको आर्क कैप देनी है, लाइन कैप देनी है, आप आर्क कैप दे सकते हो।
ओके, तो ये आपका ऑफसेट हो गया। उसके बाद आप मिरर कर सकते हो, पैटर्न कर सकते हो। मिरर का एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, सेंटर मिरर करने के लिए आपको कंपलसरी एक रेफरेंस लाइन देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं इन्फिनिटिव रेफरेंस लाइन दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉर्नर रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ओके, मिरर एंटिटी, एंटिटी टू मिरर अबाउट दिस रेफरेंस लाइन। ओके, ये आपकी मिरर होगी। क्लियर? देन मॉडिफिकेशन लेक्चर में आप मॉडिफाई कर सकते हो, मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल। ओके, मॉडिफाई लेक्चर्स आपको पता ही होंगे। मॉडिफाई तो मूव कर सकते हैं, तो मूव में एंटिटी टू मूव इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, कहाँ से उठाना है, यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है। कॉपी करना है आपको, कॉपी कहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से उठा के आपको यहाँ पे रखना है। ओके, तो ये आपका मूव हो। तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो, स्टार्टिंग में आपको क्या-क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आपको उसकी यूजर इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ से वो सॉफ्टवेयर ओपन होता है, कहाँ से सेव होता है, उसका एक्सटेंशन क्या है, ये सारी चीजें, टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, उसके बाद आपको उस कमांड, जैसे कोई कमांड है तो वो कमांड उस सॉफ्टवेयर में कैसे काम करता है, उसकी ओएस क्या है, ये चीज आपको सबसे पहले पता करनी है। ये दो चीज आपकी पता हो जाएगी, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर इजीली स्टार्ट हो जाएगा काम करना। यहाँ पे मैं स्केचर में उसके साथ साथ टेम्पलेट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं इस स्केच से बाहर निकल रहा हूँ। पहले आप लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि सर ऑटोकैड में जैसे हम एंटर होते हैं तो वहां पे आता है यूनिट सेट करना, तो उसमें आप मैट्रिक में जाते हो तो आप एमएम में काम करते हो, तो यहाँ पे मुझे कौन से यूनिट में काम कर रहा है तो ये तो मुझे पता नहीं है। तो सबसे पहले सॉलिड वर्क्स में आपको टेम्पलेट सेट करना पड़ेगा। तो टेम्पलेट सेट करने के लिए आपको कस्टम में जाना है, कस्टम में आपको एडिट डॉक्यूमेंटेशन यूनिट में जाना है, उसमें आपको एमएमजीएस में जाना है, मिलीमीटर ग्राम सेकंड, एमएमजीएस, और इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद इस फाइल को आप सेव करोगे, सेवेज में जाओगे। सेवेज में जाके यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, पार्ट टेम्पलेट स्टार डॉट पी आर टी डी ओ टी, इसको आपको चूज करना है। और यहां से आप कर लोगे, जैसे मैं नाम दे रहा हूं, जी सी पार्टन। ओके, और यहां से आप सेव करोगे। जैसे आप सेव करोगे, इस फाइल को मैं यहां से बंद कर रहा हूं, यहां से मैं ओपन कर रहा हूं, तो टेम्पलेट में आपको यहां से एक मिल जाएगा टेम्पलेट जीसी पैटर्न का। और जैसे जब भी आप जीसी पैटर्न को ओपन करोगे तो आपको एमएमजीएस का ही टेम्पलेट मिलेगा। स्केचर में आप काम कर रहे थे लेकिन कौन से यूनिट में काम कर रहे थे वो स्पेसिफाई नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे एमएमजीएस में ही काम करना है, मेरी जो लाइन है वो मिलीमीटर में ही बननी चाहिए, सेंटीमीटर में, मीटर में, इंच में नहीं। तो यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया। अब मैं स्केचर में भी जा रहा हूँ, स्केच में जाके मैं फिर से टॉप लेंथ करता हूँ, तो ये फिर आप स्केचर में आ गए। यहाँ से मैं बाहर निकल रहा हूँ तो आप फिर नॉर्मल मोड में आ गए, आइसोमेट्रिक। तो दो चीज, हाउ टू क्रिएट अ टेम्पलेट एंड हाउ टू यूज अ स्केचर इन सॉलिड वर्क्स, ये दो चीज के बारे में आपको पता चल गया स्टूडेंट्स। किसी को भी डाउट है? और पार्ट मॉडलिंग में हम एंटर होते हैं, पार्ट मॉडलिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है किसी भी पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो कॉमन कमांड है, एक्सट्रूड कमांड। ऑटोकैड से लेके सॉलिड वर्क से लेके सारे पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में आपको ये मॉडलिंग के लिए ये कमांड आपको मिलेगा, एक्सट्रूड कमांड। तो एक्सट्रूड कमांड का यूज करके आप कोई भी जनरल पार्ट बना सकते हो, कोई भी जनरल पार्ट। तो एक्सट्रूड कमांड में हम जाते हैं, एक्सट्रूड कमांड में आपको ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको वो सरफेस में बनाना है या सॉलिड में बनाना है। तो अभी हम सॉलिड में बनाते हैं। तो एक्सट्रूड कमांड में जैसे आप जाओगे तो प्लेन्स आपके आगे आ जाएंगे, उसमें आपको चूज करना है कि कौन से प्लेन में आपको काम करना है। तो मैंने यहाँ पे टॉप प्लेन को चूज किया है। एक्सट्रूड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। मैंने सेंटर रेक्टेंगल ले लिया, उसका डायमेंशन मैं दे रहा हूं 100 टैब 150।
और कमान राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ये कमान यहां से लीव हो गया। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है फिनिश स्केच, तो जैसे आप फिनिश स्केच करोगे एक्सट्रूड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन दी हुई है कि आपको अप डायरेक्शन में काम करना है कि नीचे के डायरेक्शन में काम करना है, तो आप मुझे अप जाना है। इसमें में मुझे ब्लाइंड एक्सट्रूजन करना है, कितना एक्सट्रूजन करना है 30 mm। 30 mm एक्सट्रूजन होने के बाद यहाँ पे आपको राइट ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो ये आप एक्सट्रूड में से बाहर निकल गए। Ctrl 7 करोगे तो ये आपका आइसोमेट्रिक मोड सेट हो जाएगा। आप, मैं फिर से रिवाइंड कर रहा हूं, सबसे पहले क्या किया मैंने, एक्सट्रूड कमांड सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद उस स्केच को सिलेक्ट किया, स्केच को सिलेक्ट करके मैंने एक्सट्रूड किया, फिर एक्सट्रूड में से मैं बाहर निकल गया। अब मुझे ये जो एक्सट्रूड हो चुका है मॉडल ट्री में, आपको उसके दो दो स्टेप बता रहा है। उसमें आपको स्केच बता रहा है, उसमें आपको एक्सट्रूड 1 बता रहा है। जो स्केच है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा तो उसमें एडिट स्केच ऑप्शन आएगा, Ctrl 8। ये जो 100 mm है उसकी जगह पे मुझे करना है 101। ओके, यहां से मैं 101 करके इस स्केच को फिनिश कर रहा हूँ, एंड Ctrl 7। तो आपका जो स्केच 100 by 150 का था वो हो गया 101 by 150। स्केच भी अपडेट हो गया, एक्सट्रूड भी अपडेट हो गया। ये चीज आपको ऑटोकैड में नहीं मिलेगी। ओके, उसके बाद हम एक्सट्रूजन को अपडेट कर रहे हैं, तो यहां पे 30 की जगह 35 कर रहा हूं मैं, और यहां से मैं ओके कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो कि ये अपडेट हो गया। तो कभी भी मॉडल को आप अपडेट कर सकते हो सॉलिड वर्क सॉफ्टवेयर में। बाकी के ऑप्शंस हम देखते हैं, एडिट फीचर, तो यहां से आपको एक ड्राफ्ट ऑप्शन मिलेगा। ड्राफ्ट में जाके आप उसको टेपर दे सकते हो, जैसे कि आपको 15 डिग्री ड्राफ्ट देना है। इसकी हाइट में थोड़ी बढ़ा देता हूँ, 50 करता हूँ, तो ये जो 15 डिग्री ड्राफ्ट हो गया, इसमें जो एक्सट्रूजन में ड्राफ्ट इनबिल्ट है, तो इसमें 4 फेस में आपको ड्राफ्ट मिलेगा, इंडिविजुअली कोई फेस में आपको ड्राफ्ट नहीं मिलेगा। ये जो ड्राफ्ट है ना, ये ड्राफ्ट अभी इनवर्ड हो रहा है, मुझे इसको आउटवर्ड ड्राफ्ट करना है, तो ये आउटवर्ड ड्राफ्ट होगा, यू कैन सी। क्लियर। मुझे ड्राफ्ट कमांड ही बंद कर देना है, तो यहां से आप ड्राफ्ट कमांड को बंद कर सकते हो। अब यहां पे एक और ऑप्शन हम देख रहे हैं, कंटूर ऑप्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केच में जाके मैं एडिट स्केच कर रहा हूं, और सेंटर में एक सर्कल बना रहा हूं। जैसे मैं सर्कल बना के बाहर निकलूंगा तो मुझे इस बॉडी में सेंटर में होल मिल जाएगा। ओके, अब ये जो होल है, ये होल अभी आपको दिख रहा है, मुझे टेम्पररी ये होल इस फीचर में नहीं देखना। तो एक्सट्रूजन में जाएंगे और यहां से आपको कंटूर ऑप्शन मिलेगा, कंट्रोल दबा के ये फेस और ये होल को हम सिलेक्ट करके ओके करेंगे, तो आप देख सकते हो यहां पे इस फीचर में आपको होल नहीं मिल रहा। क्लियर। फिर से मैं यहाँ पे एक्सट्रूजन में जा रहा हूँ, कंटूर में से दोनों चीजों को निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे होल हो गया। मैंने पहले क्या किया कि स्केच में जाके सेंटर में एक होल कर दिया, तो उसी ऑपरेशन में आपको यहाँ पे एक होल मिल गया। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये होल अभी अभी नहीं चाहिए, 5 या 6 स्टेप के बाद चाहिए होल। अभी मैं टेम्पररी इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो सॉफ्टवेयर में ऐसी फैसिलिटी है कि उस ऑपरेशन को आप टेम्पररी हाइड कर सकते हो बाय यूज अ कंटूर ऑप्शन। कंटूर में जाके पहले आप कंट्रोल दबा के इस फेस को सिलेक्ट करोगे, फिर इस होल को सिलेक्ट करोगे, तो ये आपका जो फीचर है टेम्पररी निकल जाएगा। और जब भी इस होल को आपको वापस लाना है, तो कंटूर में जाके दोनों ऑपरेशन को आपको रिमूव करना है, तो वो होल आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब एक्सट्रूजन को हम कंप्लीट करते हैं, इस फेस को हम सिलेक्ट करते हैं, एक्सट्रूड 2 करना है मुझे।
ओके, इसको यहां से मैं फाइनलाइज ओके कर रहा हूं। एक्सट्रूड 3 करना है मुझे इस फेस से, कंट्रोल 8। इसका डायमेंशन मैं यहां से दे रहा हूं 40। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे मैं फ्लिप कर रहा हूं, और यहां पे डायरेक्शन वन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ब्लाइंड, थ्रू ऑल, अप टू नेक्स्ट, ये ऑप्शंस देखते हैं। थ्रू ऑल का मतलब थ्रू आउट, हमारी बॉडी में लास्ट तक वो एक्सफ्यूजन कर देगा। उसके बाद अप टू नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट में क्या होता है कि सबसे पहली जो फेस होती है वहां तक एक्सट्रूड करता है। अप टू वर्टेक्स, अप टू वर्टेक्स में आप चूज करोगे कि कौन से, देखो इस बॉडी में इसे हम फेस कहते हैं, इसे हम एज कहते हैं, और ये जो कॉर्नर है ना जहाँ पे थ्री थ्री लाइंस कनेक्ट होती है इसे हम वर्टेक्स कहते हैं, तो उस वर्टेक्स तक जाएगी ये। उसके बाद अप टू सरफेस, इस सरफेस तक जाएगी। उसके बाद अप टू बॉडी एंड मिड प्लेन, तो मिड प्लेन में आधा यहाँ पे आएगी आधा उस साइड जाएगी, आप देख सकते हो। ओके, एंड अप टू वर्टेक्स कर रहा हूं मैं, इस सरफेस तक आएगी, क्लियर। और ये तीनों एक्सट्रूजन में यहाँ पे मर्ज रिजल्ट है, इसको मैं एक्टिव कर रहा हूँ, यहाँ से ओके कर रहा हूँ। तो मर्ज रिजल्ट एक्टिव करने से क्या होगा, आप सॉलिड बॉडी में जाओगे तो आपको ये एक ही बॉडी मिलेगी, ओनली वन बॉडी। तो ओनली वन बॉडी में आपको पूरा पार्ट कंप्लीट करना है तो यूज अ मर्ज रिजल्ट, और आपको ऐसा नहीं करना तो आप मर्ज रिजल्ट को डीएक्टिव कर लो, तो उसमें हर एक पार्ट इंडिविजुअली हो जाएगा, आप देख सकते हो, क्लियर। तो वो आप पे डिपेंड है कि आपको किस तरह एक्सफ्यूजन करना है, वो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के बेसिस के हिसाब से हम मर्ज ऑप्शन का यूज करेंगे। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, मर्ज ऑप्शन को एक्टिव कर रहे हैं, क्लियर। यहाँ पे एक्सट्रूड में दूसरा एक ऑप्शन है एक्सट्रूड कट कमांड। तो एक्सट्रूड कट में आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो, फ्लिप फ्लिप थ्रू ऑल, और यहां से ओके कर देंगे तो यहां से आपको कट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक्सट्रूड कमांड में किसी भी स्टूडेंट को डाउट है, ये आपका टूलिंग हो चुका है। अब मैं आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट में दिखाता हूं आकाश। तो सबसे पहले इजी प्रोजेक्ट बनाते हैं, द इजीएस्ट प्रोजेक्ट। ओके, इस प्रोजेक्ट को मुझे एक्सट्रूड कमांड का यूज करके बनाना है। जब भी आप किसी भी सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग करो, जब भी आप सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट में कितने ऑपरेशन है ये देख लो। तो इसमें कितने ऑपरेशन है कोई बता सकता है, इस ऑब्जेक्ट में कितने ऑपरेशन आपको दिख रहे हैं? तो इसमें आपको यहाँ पे आप देख सकते हो 50x75 का ऑब्जेक्ट है जिसको हम 32 mm एक्सट्रूड कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट ऑपरेशन। दूसरा, यहाँ पे ये वी शेप बना के कट करना है, सेकंड ऑपरेशन। तीसरा, आपको ये जो कैप वाला शेप है ये शेप आपको बनाना है, 24 mm एक्सट्रूड करना है, थर्ड ऑपरेशन। तो ये समझ लो एक्सट्रूड में ये सब खत्म हो जाएगा ये। तो सबसे पहले बेस से स्टार्ट करेंगे, किसी भी मॉडल को बनाने बनाना है तो वो स्टार्ट होगा बेस से। ओके, तो इसका बेस है 50x75। तो एक्सट्रूड में जाके टॉप प्लेन को चूज करना है। मॉडलिंग की दूसरी एक मैं आपको टिप्स दे रहा हूं, जब भी आप मॉडलिंग कर रहे हो तो जो मॉडल आपकी वर्किंग शीट में पड़ा है, जिस पोजीशन में पड़ा है, जिस प्लेन में पड़ा है, वही पोजीशन में आपको सॉलिड वर्क्स में बनाना है। ये चीज आपको खास ध्यान रखना है। तो ये आपका टॉप में आपको दिख रहा है, और ये जो पोजीशन आपको दिख रही है 50x75, उस पोजीशन के हिसाब से सेंट्रल रेक्टेंगल में ले रहा हूँ, 75 टैब 50 सेलेक्ट, ओके, फिनिश स्केच, और इसको मुझे एक्सट्रूजन देना है 32 mm, यहां से मैं ओके कर रहा हूँ, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे कट करना है, तो ये वी शेप आपको दिख रहा है ये मुझे कट करना है, तो मैं इस फेस से एक्सट्रूड कट करूंगा जिसमें 9 mm यहां से यहां जाना है, यहां से यहां 9 mm जाना है, और ऊपर से नीचे आपको आना है 16 mm। तो आप एक्सट्रूड कट लोगे,
एक्सट्रूड कट, कौन सी फेस पे काम करना है, ये फेस, कंट्रोल एड। कंट्रोल एड जैसे आप करोगे वो फेस सीधे आपके सामने आ जाएगी। देखो यहाँ पे मैं सेंटर लाइन का यूज कर रहा हूँ, मिडल में मैंने एक सेंटर लाइन बना ली है, रेफरेंस लाइन, मिडल पे मैंने एक रेफरेंस लाइन बना ली है, वो रेफरेंस लेने के लिए काम आएगी। ओके, यहाँ से मैं 9 mm जा रहा हूँ, यहाँ पे मिडल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको मिड पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिड पॉइंट मिलने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे, ये जो रेफरेंस लाइन बनी है ना उसके ऊपर एक आप दूसरी लाइन बना लोगे। ओके, और यहां पे आपको मिड पॉइंट इजीली मिल जाएगा, ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ये 9 mm। अब एक्स्ट्रा लाइंस को हम ट्रिम कर लेंगे, इसकी रिक्वायर नहीं है, इसकी इसकी रिक्वायर नहीं है, इसकी रिक्वायर नहीं है। जब भी आप एक्सट्रूड कर रहे हो तब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपनी प्रोफाइल को आपको कंप्लीट करना है, ये आपकी कंप्लीट प्रोफाइल है, आपको प्रोफाइल अधूरी नहीं छोड़नी, नहीं तो वो एक्सट्रूजन नहीं होगा। यहाँ सिर्फ फिनिश स्केच कर रहे हैं, कहाँ तक जाना है, 36 तक जाना है, यहाँ से ओके, कंट्रोल 7, तो ये आपका एक्सट्रूड कट हो गया। उसके बाद ये आपको एक्सट्रूड बनाना है, तो यहाँ से 12, यहाँ से 24, 56 में से 32 जाएंगे तो 24, और यहाँ से 24, तो इस फेस को हम सिलेक्ट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो आप पहले भी डायमेंशन दे सकते हो, बाद में भी डायमेंशन दे सकते हो, एक टेंटेटिव डिजाइन बना लो, टेंटेटिव स्केच बना लो, उसके बाद आप डायमेंशन दे दो, यहां से 12, यहां से 24, यहां से 24। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लाइन की रिक्वायर नहीं है, जब भी आप मॉडलिंग कर रहे हो जिस लाइन की जब रिक्वायर नहीं है उसको इमीजिएटली ट्रिम कर दो, नहीं तो बहुत सारी लाइंस बन जाएगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये स्केच आपका कंप्लीट हो चुका है, इसको फ्लिप कर रहे हैं, 24, यहां से ओके, कंट्रोल 7, ओके, ये आपका मॉडल जिस पोजीशन में पड़ा है उसी पोजीशन में आपको आपने इस सॉलिड वर्क्स में बना लिया। अब आपको इसमें मटेरियल देना है, तो मटेरियल में आप राइट क्लिक करके एडिट मटेरियल में जाओगे, यहां से आपको वुड मटेरियल देना है, ओके, ये मटेरियल सिलेक्ट करके आप अप्लाई करोगे, तो जो भी आप मटेरियल सिलेक्ट करोगे उसमें आप यहाँ पे यूनिट सेटअप कर रहे हो, ऐसा यूनिट के हिसाब से न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, मेगा पास्कल में आप कन्वर्ट कर रहे हो, जो इजी टू अंडरस्टैंड है। उसमें आपको इलास्टिक मॉड्यूल, पॉइजन रेशियो, सीयर मॉड्यूल, मास डेंसिटी, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएगी।